दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि BPCL एम्प्लॉयज जो है उनको एक नोटिस दिया गया है कि वो लोग 17 मई 2021 तक सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे रिटायर हो जाए, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो। तो मुझे पता है ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ क्योंकि मेरी जो तबीयत है थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब आपके साथ रेगुलर आपको न्यूज़ दे पाऊँ। तो BPCL जो एक गवर्नमेंट कंपनी है उसमें टोटल 140 एम्प्लॉयज़ हैं परमानेंट, उनसे कहा गया है कि ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे 17 मई तक रिटायर हो जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिस जारी करा था कि 17 मई के अंदर अंदर ये लोग रिटायर लेना ही लेना है। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड जो हाल ही में 2500 ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने का उसे मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर मिला था, ये सारा जो ऑर्डर था वो जो जितने भी इम्प्लॉयज़ थे वो ये ऑर्डर को एक्सिक्यूट करने में लगे थे। लेकिन तभी उन्हें एक मैसेज आता है, एक मेल मिलता है कि जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं सबको रिटायर होना है, सबको VRS स्कीम लेनी है 17 मई से पहले की पहले। BPCL एक PSU कंपनी है जो पिछले साल मई 2020 थी उसमें गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बंद कर दिया था और सारे एम्प्लॉयज से कहा था कि वो VRS स्कीम ले ले। लेकिन जैसा कि कोरोना की सेकेंड वेव आ गई और उस समय इन लोगों को यानी हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इनसे ऑक्सीजन बना सकें, क्योंकि इनके पास सारे मटेरियल वगैरह भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है, वो इजिली बना सकते हैं, ऑक्सीजन बहुत इजीली बन जाएगा और सबको पता भी है तो ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो था वो एक प्रपोजल भेजा था कि क्यों ना हम इनसे ऑक्सीजन बनवा लें। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मंजूर कर दिया और उन्होंने कहा कि आप ऑक्सीजन बनवा सकते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह बनवा सकते हो। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये जो PPCL थी ये लोग ऑक्सीजन बना रहे थे और इन्हें भेल के थ्रू, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के थ्रू इन्हें ऑक्सीजन बनाने का ऑर्डर मिला था। और ये लोग बहुत अच्छे से इनके सारे एम्प्लॉयज़ BPCL के सारे एम्प्लॉयज़ ऑक्सीजन बना रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे नोटिस आता है वहाँ के मैनेजर को कि आप लोगों को जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको रिटायर होना है 17 मई को, सबको VRS स्कीम लेनी है। लेकिन अगर कोई VRS स्कीम ना ले तो उसे बिना किसी बेनिफिट के निकाल दिया जाए। तो यानी सबको रिटायर करना ही करना है 17 मई को, ये इनका नोटिस आता है। उसके अलावा इनकी परमानेंट एम्प्लॉयज़ का तो चलो ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उनका तो और बेकार था। उनको तो सीधा सीधा कह दिया कि जो पिछले बहुत सालों से काम कर रहे थे, 10-15 सालों से, उनसे तो सीधा सीधा कह दिया कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अब ये कंपनी बंद हो रही है और ये लोग आप लोग निकल जाइए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ थे उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, चलो परमानेंट को VRS के थ्रू थोड़ा बहुत तो पैसे वगैरह मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत उनकी सैलरी वगैरह मिलेगी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ तो और भी बुरा हुआ। उनको बिना कुछ लिए सीधा के सीधा निकाल दिया जाता है और कुछ नहीं कहा है कुछ नहीं। तो ये जो BPCL है BPCL के थ्रू अब आगे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होगा ये तो अब बाद में पता चलेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की अब डिमांड जो है वो थोड़ी लेवल में आ चुकी है तो शायद इन लोगों की अब ज़रूरत नहीं होगी, ऑक्सीजन वगैरह नहीं बनवाना होगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे हायर करके गवर्नमेंट बनवा सकती है अब ऑक्सीजन। तो BPCL के साथ जो भी ये सारे हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। ये लोग अच्छे खासे ऑक्सीजन बना रहे थे लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एकदम से नोटिस देना, बिना कोई वक्त देना, बिना कोई उन्हें समय देना, थोड़ा बहुत ही समय देना, कहा कि कहना कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग रिटायर हो जाइए, आप लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और इनके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ थे इनके साथ तो और भी ज़्यादा गलत हुआ। तो अब तो दोस्तों गवर्नमेंट कंपनियां भी सेफ नहीं है, तो प्राइवेट कंपनियां क्या सेफ होंगी निकालने से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द